हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पराठे। और पराठे तो सभी को बहुत पसंद होते हैं, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, क्योंकि पराठे हम अक्सर बनाते रहते हैं अलग अलग तरह के। पर फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिहार के बहुत ही फेमस सत्तू के पराठे, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने सत्तू ले लिया है। तो ये चने, भुने हुए चने का आटा है, इजीली मार्केट में मिल जाता है कोई भी चक्की की दुकान पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बाउल सत्तू लिया है और मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे हम ये कटी हुई प्याज। तो एक प्याज मैंने छोटी छोटी चॉप करके रख ली है और इसमें डाल दी है। और अब डाल देंगे हम हरी मिर्ची। तो फ्रेंड्स, घर में अगर छोटे बच्चे हों तो हरी मिर्ची आप स्किप कर सकते हैं। और ये डालिए मैंने लहसुन। लहसुन थोड़ा एक्स्ट्रा डालना है, लहसुन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ये अदरक डाल दिया है। और ये डाल देंगे हम हरा धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स, अब इसको हमने डाल लिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं हींग डाल रही हूँ मसाले में, और ये डाल रही हूँ मैं अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से क्रश करके डाल देना है हमें। और ये डाल दिया मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर, और ये डाल दिया है धनिया पाउडर। और अब इसमें डाल लेंगे हम काला नमक पाउडर। तो फ्रेंड्स, हम इसमें रेगुलर नमक कम डालेंगे, क्योंकि हमें काला नमक भी डालना है इसमें। और ये डाल लिया हमने रेगुलर नमक वाइट वाला। तो अब इसमें डाल देंगे हम ये अमचूर पाउडर। तो फ्रेंड्स, अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहें तो फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। और अगर आपको इसमें से कोई भी मसाले पसंद नहीं हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम ये एक मेन चीज़। ये मेन चीज़ है आम का अचार का मसाला। तो यहाँ पे मैं आम का अचार का मसाला डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आप जो कलौंजी होती है, जिसको हम मंगरेल बोलते हैं, वो भी ज़रूर डालिएगा। वो मेरे पास था नहीं, पर इस आम के अचार में कलौंजी मंगरेल है। तो यहाँ पे मैंने आम का अचार डाल दिया है। और आम के अचार में तो ऑलमोस्ट सभी मसाले होते हैं, सौंफ वगैरह मेथी। तो यहाँ पे हमने आम का अचार डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आप आम का अचार नहीं डालना चाहें तो फ्रेंड्स, आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, उससे भी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा पराठे के लिए स्टफिंग तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से सत्तू के पराठे बनाने के लिए हमें स्टफिंग तैयार कर लेनी है। और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, स्टफिंग हमारी अच्छे से बाइंड हो रही है। इसका मतलब एकदम परफेक्ट ये स्टफिंग हमारा पराठे के लिए बना है। और यहाँ पर हमने आटा ले लिया है, जो रोज़ नॉर्मल रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं उसी तरह से हमने आटा लगाया है, कोई अलग से आटा नहीं लगाना है। तो अब चलिए फ्रेंड्स, हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ये आटा पहले से ही लगा कर रख लिया है। और अब पराठा बनाने के लिए लोई तोड़ेंगे। तो जितना बड़ा पराठा बनाना है हमें, उतना ही हमें बड़ी लोई तोड़ लेनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये देखिए इसी तरह से हमें पराठे को बनाना है। और अब इसको हम सूखे आटे में कोट कर लेंगे। और जैसे हम रोज़ रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें पराठा बनाना है। और सत्तू का पराठा बहुत ही ईजिली बिलकर तैयार होता है, क्योंकि जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है वो गीला स्टफिंग नहीं है, सूखा है। इसीलिए पराठा हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे रोटी हमारी बिल गई है और अब हम स्टफिंग भर लेंगे इसमें। और स्टफिंग को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो छोटे वाले चमचे भरकर स्टफिंग डाल ली है रोटी के अंदर। और अब हम इसको, तो इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है पराठे को। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसी तरह से हमें सेट कर देना है। और अब पराठे को हम अच्छे से बेल लेंगे, इजिली पराठा बिल जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सूखा आटा लगा लिया है। और अब हमें पराठे को हल्के हाथों से बेल लेना है। तो फ्रेंड्स, आप जितना बड़ा पराठा बनाना चाहें उतना ही बड़ा पराठा बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। आप इसको कितना भी बड़ा पराठा बना सकते हैं, ये फटता नहीं है, बहुत ही ईजिली बनता है। ये देखिए कितनी आसानी से बेल रहा है, पर हमें हल्के हाथों से ही पराठा बेलना है। तो यहाँ पर पराठा हमारा कितना अच्छा सा बिल कर तैयार हो गया है। और यहाँ पे मेरा तवा भी गर्म हो गया है, तो मैंने तवे के ऊपर पराठा डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें पराठे को सेक लेना है। ये एक साइड से पराठा जो है हमारा सिक गया है, तो मैंने पलट दिया है। और अब लगा रही हूँ मैं घी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देसी घी में पराठे बना रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में, बटर में, जैसे आप पराठा खाना पसंद करते हैं आप उसी में
पराठे बना सकते हैं, पर मैं अक्सर घी में ही पराठे बनाती हूँ, देसी घी में, क्योंकि देसी घी के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, देसी घी में पराठे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, पराठे हमारे जो है सिक कर तैयार हो गए हैं। ये एक पराठा हमारा सिक गया है और अच्छा सा फूल भी गया है पराठा, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है ये पराठा और बनाना भी बहुत आसान है और सभी को बहुत पसंद भी आता है फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी बनता है ये पराठा। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे बटर लगा रही हूँ फ्रेंड्स। बटर लगाने से जो है पराठे हमारे बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाकू से थोड़ा सा इसमें छेद कर रही हूँ ताकि बटर जो है अंदर जा सके पराठे में और पराठे और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो सके, क्योंकि बनने के बाद ही पराठे थोड़े से सख्त हो जाते हैं, इसीलिए बटर लगा देंगे अगर आप, तो फिर पराठे जो हमारे सॉफ्ट रहेंगे, सर्दी का मौसम है। तो यहाँ पे एक पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया, उसी तरह से हमने दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लिया है और इस पराठे को भी हम सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी इजीली हमने सत्तू के पराठे बना लिए हैं। और अगर आप सत्तू बाहर से नहीं लाना चाहें तो फिर आप सत्तू को घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चने खरीद लाइए घर में और फिर मिक्सी में पीस कर सत्तू बना सकते हैं। तो सत्तू बनाना भी बहुत बड़ा काम नहीं है, मिक्सी में भुने हुए चने को पीसकर हम सत्तू बना सकते हैं और फिर हम उसके भी पराठे बना सकते हैं। सत्तू के हम पराठे बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, दूसरा पराठा भी हमारा उसी तरह से सिक कर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं फूल भी रहा है ये पराठा। और फ्रेंड्स, सत्तू के पराठे हम किसी भी मौसम में बनाकर खा सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी, क्योंकि चने हर मौसम में हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। काफ़ी लोग तो मॉर्निंग में उठते ही चने खाते हैं, भुने हुए चने, क्योंकि चने बहुत ही अच्छे होते हैं। चाहे हम भिगोकर खाएं मॉर्निंग में या फिर भुने हुए चने खाएं, चने बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दूसरा पराठा भी बनकर हमारा तैयार हो गया है सत्तू का। तो इसी तरह से हमें सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। और आपने देखा फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली ये पराठे बिल जाते हैं, फटते भी नहीं और फूलते भी बनाते टाइम। और सर्दी के मौसम में तो फ्रेंड्स, हम भुने हुए चने के लड्डू भी बनाकर खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं भुने हुए चने के लड्डू। मैंने भी एक वीडियो डाला था, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे पराठे हमारे सत्तू के बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये सत्तू के पराठे हम दाल सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी या दही के साथ भी, जैसे मर्जी आप ये पराठे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सत्तू के पराठे हमारे कैसे बने हैं। और अगर आपको मेरे ये सत्तू के पराठे पसंद आए हों तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं।